हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पॉपकॉर्न। वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसे जब चाहे तब बना सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप मक्के के दाने लिए हैं, थोड़ा सा नमक लिया है, 1 चम्मच बटर लिया है। पहले हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें हम बटर डालेंगे। बटर को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें मक्के के दाने डालेंगे, नमक डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। कुछ ही देर में मक्के के दाने पॉप होने लगेंगे, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इसी तरह से हम इसे मीडियम फ्लेम पर रहने देंगे। इसे हमें तब तक रहने देना है जब तक कि इसमें से आवाज आने बंद ना हो जाए। आप इसे जब भी चाहे तब बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। ये बिल्कुल मार्केट के पॉपकॉर्न की तरह ही टेस्ट आता है। इसमें हमने बटर का यूज किया है। आप चाहे तो इसमें ऑयल या घी का यूज कर सकते हैं। बटर यूज करने से इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले पॉपकॉर्न की तरह लगता है, इसलिए मैंने इसमें बटर का यूज किया है। ये इसे बनने के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। पॉपकॉर्न का आवाज आना बंद हो चुका है। अब हम इसमें से ढक्कन हटा करके देख लेते हैं। काफी अच्छा पॉपकॉर्न बनके तैयार हुआ है। आप भी इसे घर पे बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय।